हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि अगर आपकी पिंडलियों के पीछे यहां बहुत दर्द रहता है, आपकी नसों में ब्लॉकेज आ चुकी है, यहां पिंडलियों में पीछे खिंचाव सा महसूस होता रहता है, या बॉडी में किसी भी पार्ट में नस ब्लॉक हो चुकी है, नसों में खिंचाव रहता है जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, इसका इलाज कैसे करें? दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको परफेक्ट इलाज बताऊंगी, क्योंकि आप दवाइयाँ अगर इस चीज़ की खा रहे हैं तो आप कितना टाइम लंबा दवाई खाएंगे, क्योंकि दवाई कहीं ना कहीं आपकी किडनियों को खराब कर दिए, ये आप भी जानते हैं। इस वीडियो में जो इलाज बताया जाएगा वो तीन तरीकों से होगा। जैसे इसके कारण तीन हैं, इस प्रॉब्लम को आने के हमारे शरीर में कारण तीन हैं, वैसे ही इसका इलाज भी तीन तरीकों से किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको मैं कारण ही बता देती हूँ। सबसे पहला कारण है, जो भी हम खाना खाते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, या फिर हमारे खाना ही ऐसा है जो डाइजेस्ट हो ही नहीं सकता, जैसे कि ब्रेड है, मैदा है, या फास्ट फूड टाइप वाली चीज़ें हैं जो इजीली डाइजेस्ट ही नहीं होती, तो वो हमारी बॉडी में वात यानी वाई को पैदा करती है। और वात और वाई हमारी बॉडी में नसों में स्वेलिंग ला देती है, यानी कि सूजन ला देती है, और उसके बाद ये नसें ब्लॉक हो जाती हैं, वेरिकोज वेन की समस्या आ जाती है, या नसों में खिंचाव आने लगता है। दूसरा कारण है कि अगर आप फिजिकल एक्टिविटी जीरो करते हैं, यानी आप कोई एक्सरसाइज, कोई योगा, कोई वर्कआउट नहीं कर रहे, बस अपनी नॉर्मल सी लाइफ जी रहे और वो खा रहे हैं जो आपका दिल करता है, तो स्वाभाविक सी बात है नसें कमजोर हो जाएंगी, उनमें स्वेलिंग आएगी और वेरिकोज वेन या फिर नसों में ब्लॉकेज जैसी समस्या आ जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट है, मोटापा बहुत ज़्यादा है, और आप इस मोटापे को दूर करने के लिए कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो ये प्रॉब्लम आनी स्वाभाविक है, आज नहीं तो कल ज़रूर आ जाएगी। क्योंकि हमारी बॉडी में जब फैट बढ़ती है, फैट जो है, जो भी हम खाना खाते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट होने नहीं देती, उसको जस्ट फैट में कन्वर्ट कर देती है। और जब किसी इंसान की बॉडी में फैट बढ़ती है तो उसका मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो चुका होता है। तो ये तो इसके मेन कारण है, इसका इलाज भी जानेंगे। तो लेकिन इसके लक्षण जरूर जान लीजिए कि अगर किसी इंसान को नसों में ब्लॉकेज है, खिंचाव है, या पिंडलियों में दर्द रहता है, नसों में किसी भी तरह की कोई भी खिंचाव आ चुका है, प्रॉब्लम आ चुकी है, नसों में कोई भी रोग अगर आपको हो चुका है, तो सबसे पहला कारण है कि आपकी याददाश्त कमजोर पड़ने लगेगी, आपके सोचने समझने की क्षमता जो है वो कमजोर पड़ जाएगी, आपको बहुत जल्दी, और ये कह सकते हैं थोड़ा सा आपने ज्यादा सोच लिया तो आपको एकदम से सिर दर्द होने लग जाएगा, सिर भारी सा महसूस होने लग जाएगा। इसके अलावा आपकी बॉडी में खून की कमी हो जाएगी, जिसके कारण आप जैसे ही चेयर से या फिर किसी बेड से उठेंगे तो आपको ऐसे महसूस होगा जैसे आंखों के आगे अंधेरा सा आ रहा है, चक्कर से आ रहे हैं। दोस्तों, ये नसों की ब्लॉकेज का, नसों में खिंचाव का, या फिर नसों में होने वाले किसी भी रोग का संकेत है। तो इस समस्या का हल करने के लिए आपको सजग होना पड़ेगा, क्योंकि इसको रेयर लेना बिल्कुल गलत है। अगर आपको इसके सिम्टम भी नजर आ रहे हैं, लक्षण भी नजर आ रहे हैं, फिर भी आप इस रोग को ऐसे रेयर ले रहे हैं तो गलत है, क्योंकि ये इन फ्यूचर चलकर ब्लॉकेज जो है, हार्ट ब्लॉकेज में भी कन्वर्ट हो जाती है। तो दोस्तों, इसका इलाज भी हमने तीन तरीकों से करना है। तीन तरीके कौन से हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जा रहा है। तो सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, बॉडी में से वात को दूर करना है। वात को जब आप दूर कर पाएंगे तो आप जान जाएंगे कि इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग भी आपकी बॉडी में से दूर हो रही है, चाहे वो आपको दिख नहीं रही, लेकिन आपको स्टिफनेस जो महसूस होती है, ऐठन महसूस होती है, वो सूजन ही है। तो दोस्तों, आपने बॉडी में से वात को दूर करने के लिए क्या करना है, 50 ग्राम के करीब आप कलौंजी ले लीजिए और 50 ग्राम के करीब ही आप मेथी दाना ले लीजिए। इन दोनों का पाउडर बनाकर रख लीजिए एयर टाइट कंटेनर में। इसके बाद आपने सिर्फ इसके बीच में से 1/4 चम्मच गुनगुने पानी के साथ सुबह खाली पेट लेना है। ऐसा करने से नसों की ब्लॉकेज तो दूर होती ही है, साथ में वात रोग बॉडी से बिल्कुल दूर हो जाएगा, यानी बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा वात बन रही है, वायु बन रही है, हवा बन रही है, वो बॉडी से बाहर चली जाएगी। तो सबसे फर्स्ट स्टेप तो ये आपने फॉलो करना है। इसके अलावा जो नसों में कमजोरी आ चुकी है, जिसके कारण जो हमारी बॉडी के वेन्स हैं, नसें हैं, उनके अंदर जो वॉल्स हैं वो कमजोर पड़कर गिर चुकी हैं, जिसके कारण ब्लड का सर्कुलेशन सही से नहीं हो पा रहा, ब्लड सारा पिंडलियों में ही रुका जा रहा है, जिसके कारण वेरिकोज वेन की समस्या आ चुकी है, जिसे नीली नीली नसें बाहर की तरफ दिखती हैं, तो उसकी कमजोरी को दूर करने के लिए दोस्तों आपने क्या करना है, रात के टाइम आपने 1 गिलास नॉर्मल दूध लेना है और उसके अंदर 1/2 चम्मच सौंफ और 2 अंजीर को डिप करके भिगो कर रख दीजिए, दूध के अंदर भिगो कर रखना है दोस्तों। और सुबह आपने इस दूध को हल्का सा गर्म करना है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना, और आपने सुबह इसे पी लेना है। सौंफ है जो, वो भी खा सकते हैं, अगर नहीं खाना चाहें तो आप इसे छान सकते हैं दूध को, लेकिन बीच में से अंजीर निकालकर जरूर खा लेना और इस दूध को पी लेना। दूध गुनगुना करके पीना है, ज्यादा इसको गर्म नहीं करना। दोस्तों, इस तरीके से अगर आप पीते हैं तो ये नसों की कमजोरी को 7 ही दिन में दूर कर देगी, यानी कि जो वेन्स हैं वो कमजोर पड़ चुकी हैं, वो दोबारा अपना काम सही से करने लगेगी, क्योंकि
अंजीर में इतनी पावर है कि वो नसों में आई कमजोरी को दूर कर सकती है। तो आपने सौंफ के साथ इसलिए इसका इस्तेमाल करना है ताकि ये इजीली डाइजेस्ट हो सके, इसका जो असर है वो आपकी बॉडी को मिल सके। अब बात करते हैं तीसरी चीज की, यानी कि ब्लॉकेज को दूर करने के लिए क्या किया जाए। ब्लॉकेज को दूर करने के लिए जरूरी होगा ऐसी चीज का सेवन किया जाए ताकि आपकी जो वेन्स है वो चौड़ी हो सके, उसमें ब्लड क्लॉट्स नहीं बने। तो उसके लिए दोस्तों गार्लिक यानी लहसुन, लहसुन के अंदर अच्छी मात्रा में एलेसिन होता है जो कि ब्लॉकेज को दूर करता है, ब्लड को थिन करता है, पतला करता है, जिसके कारण ब्लॉकेज आने का खतरा बहुत कम हो जाता है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि हम तो लहसुन का सेवन रोजाना करते हैं फिर हमें फायदा क्यों नहीं होता, तो दोस्तों अगर आप लहसुन का सेवन कच्चे रूप में कर रहे हैं तो आपको फायदा जरूर होगा, लेकिन अगर आप उसे पकाकर कर रहे हैं तो सच में आपको इसका फायदा कभी नहीं हो सकता। दोस्तों आपने कच्ची लहसुन का सेवन करना है, आप कच्ची लहसुन सुबह के टाइम खा सकते हैं, लंच के साथ ऐसे चटनी बनाकर खा सकते हैं, रात के टाइम चटनी बनाकर खा सकते हैं, कैसे भी खा लीजिए, आप पानी में भिगोकर खा सकते हैं, लेकिन सिर्फ इतना कीजिए कि कच्ची लहसुन का सेवन करना है ताकि आपको इसके बेनिफिट मिल सके। तो कितनी कर सकते हैं, तो 2 से लेकर 3 गली तक लहसुन का सेवन किया जा सकता है। इसके अलावा अनार का जूस पीना काफी फायदेमंद है क्योंकि अनार के अंदर अल्फा लिनोलेनिक एसिड होता है जो नसों को चौड़ा कर देता है और ब्लॉकेज को दूर करता है। बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को तो बाहर करता ही है, साथ ही साथ ये गुड कोलेस्ट्रॉल को भी बॉडी में बढ़ा देता है और बॉडी में जितनी भी स्वेलिंग आ चुकी होती है, इन्फ्लेमेशन आ चुकी होती है, उसको भी दूर कर देता है। तो दोस्तों ये 3 स्टेप है, बॉडी में से वात को दूर करिए, नसों की कमजोरी को भी दूर करें और ब्लॉकेज को भी दूर करें। इसके द्वारा आप अपनी बॉडी को पूरी तरह से ट्रीट कर पाएंगे अगर आपको नसों से संबंधित कोई भी समस्या है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करिए क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है। और हाँ, अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं और ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आपके काम की है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय।